नमस्ते, मेरा नाम है भूपेश आसू और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। कल हमने कई चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था और आज 3 मार्च को कई नई अपडेट आई हैं कोरोना के रिस्पेक्ट में, कोरोना वैक्सीन के रिस्पेक्ट में, कई नई अपडेट हैं हमारे टेस्ला के रिस्पेक्ट में। आज हम सारी खबरों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये जो न्यूज़ चैनल है ये जीके के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही यह जो लोग सिर्फ न्यूज़ में इंटरेस्टेड है, राजनीति से जुड़ी हुई और समाज से जुड़ी हुई न्यूज़ के बारे में, तो उनके लिए भी ये न्यूज़ चैनल उतना ही अच्छा है और उतना ही प्रभावशाली होगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा नाम है भूपेश आसू और स्टार्ट करते हैं आज की पहली मुख्य समाचार से। देखिए, कोरोना वैक्सीन के बारे में कई चीज़ें हमने पढ़ी थी और कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली वैक्सीन लगवाई है। हमें पता होगा कि जो वैक्सीन उन्होंने लगवाई वो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई थी और वो है कोवैक्सीन। आज भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी वो वैक्सीन लगवाई है और उसका भी क्लिनिकल डेटा आ चुका है। 3rd फेज का जो क्लिनिकल डेटा है वो आ चुका है। दूसरी जो खबर आ रही है वो कोरोना पूरे भारत में वापस आ रहा है और कई राज्य हैं जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे किस तरीके से कई राज्यों में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ला रहा है। तीसरी जो खबर है वो इम्पोर्टेंट है कि कोरोना जो वैक्सीन है उसकी क्या दर रही है और कितने लोगों को अब तक लग चुकी है। लगभग आज तक का जो डेटा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं बार बार कोरोना के वैक्सीन के बारे में और कोरोना के बारे में डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और लोग अभी भी मास्क का प्रयोग जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे। इसीलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है और स्पेशली जिन्हें प्रॉब्लम रह चुकी कोरोना से या फिर जिन्हें संभावित है कि कोरोना हो सकता है। तीसरी जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एक फ्रॉड के बारे में जिसमें साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप और मुझ जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन जो फंडिंग करते हैं, जो आपको ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करते हैं बहुत ही ईजी, सिर्फ आपका आधार कार्ड नंबर लेके, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर लेके आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, उसकी जो ठगी है, साइबर जो थेफ्ट है उसके बारे में हम जानेंगे और कितने लेवल तक फैल चुका है। 4,572 करोड़ रुपए का फ्रॉड है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तीसरी जो बात करेंगे वो हम करेंगे जो पूरे भारत में जो क्रूड ऑयल की जो रेट है उस पर हाहाकार मचा हुआ है। तो क्रूड ऑयल की जो रेट है उसको कम की जा रही है और पूरे विश्व में अब कम हो रहा है। इसका ओपेक द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा और आशा है कि बहुत जल्दी भारत में भी इसकी कम रेट जो होगी वो दिखेगी। जो लास्ट और लीस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई लोगों के लिए बहुत मददगार टॉपिक है वो ये है कि सोने की रेट काफ़ी हद तक गिर चुकी है और सोने की रेट जो गिरेगी उससे जो अभी आने वाले समय में जो शादियाँ होने वाली है उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है और जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही और कई छोटी छोटी खबरें जो आज के दिन के महत्वपूर्ण है वो मैं लेके आऊँगा और बताऊँगा आपको विस्तार से। शुरू करते हैं आज का ये चैनल जिसमें व्यू पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कोवैक्सीन को लेकर। कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई थी और कोवैक्सीन का जो निर्माण किया गया था वो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से किया गया था। बहुत ही प्रभावी डेटा था। ICMR एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है लेकिन कई बार विश्वसनीय संस्था होने के बावजूद भी हमें स्वदेशी वैक्सीन पर विश्वास नहीं होता है। इसीलिए आज इसका जो 3rd फेज का डेटा है, इंटरिम डेटा है, वो आ चुका है क्लिनिकल ट्रायल का। और 3rd फेज के जो ट्रायल थे वो जनवरी में नहीं हुए थे। इस पर कई राज्यों ने, कई राजनेताओं ने आपत्ति की थी और लोगों को लगा था कि हो सकता है गलत हो। इसके चक्कर में कई स्वास्थ्य कर्मियों ने इसका टीका नहीं लगाया। आज वो डेटा आ चुका है। जो डेटा आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा और भारत बायोटेक के द्वारा जारी किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है कि इसके जो डेटा है उसमें बताया गया है कि 81% तक इसकी एफिशिएंसी रही है, इफेक्टिवनेस रही है इसकी। जो एफिकेसी रेट है वो बहुत ही अच्छी है, 81%। और अभी भारत सरकार के कई मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन की ही डोज ली है ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता है। दूसरी बात है कि भारत बायोटेक के जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एला, उन्होंने कहा है कि 3 फेज में 27,000 वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का प्रयोग किया गया है और यह प्रूव कर रहा है कि कोवैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस के खिलाफ बहुत ही असरदार है। इसमें से 25,000 जो 800
वॉलंटियर्स थे वो शामिल किए गए थे फेज थ्री जो क्लिनिकल ट्रायल था उसके अंदर, और उसमें जो बताया गया है कि जो वृद्ध थे यानी 60 वर्ष से ज्यादा एज के थे वो थे 2433 और 4500 जो वॉलंटियर थे वो गंभीर बीमारियों से गुजर रहे थे। इनमें से 43 वॉलंटियर्स को ही कोरोना का इन्फेक्शन पाया गया है, और 36 जो है उस 43 में से 36 जो है वो प्लेसिबो ग्रुप के थे और 7 वैक्सीन ग्रुप के थे। मतलब प्लेसिबो ग्रुप होता है जिसमें कोई वैक्सीन नहीं दी जाती है, और प्लेसिबो ग्रुप होता है जो 7 जो लोग थे वो वैक्सीन ग्रुप के थे। मतलब 43 में से भी सिर्फ 7 लोग हैं जिनको एक्चुअल में कोरोना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल अगर इफेक्टिवनेस देखें तो 81% के अराउंड रही है। और सबसे अच्छी चीज है कि यह जो वैक्सीन है यह 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल रहती है और रेडी टू यूज लिक्विड फॉर्मेशन में ट्रांसपोर्ट की जाती है। इसकी वजह से इसकी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है और वेस्टेज की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज है। वेस्टेज बहुत ही कम होता है, 10-30% तक इसका वेस्टेज बहुत ही कम होता है। अब किसको ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ कोवैक्सीन की और कोविशील्ड दोनों की। जिन्हें एलर्जी की शिकायत है, किसी प्रकार की दवा से एलर्जी है, बुखार आ रहा हो, यदि आप ब्लड थिनर पे है तो, यदि आपको इम्यूनिटी बहुत कम है आपकी, कई लोग होते हैं जिनके ट्रांसप्लांट होता है उनकी इम्यूनिटी कम होती है, या फिर नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आपका हार्ट वीक है, तो आपको यह नहीं लगवानी है। प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगवानी है। ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो या किसी गंभीर समस्या से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगवानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किनको नहीं लगवानी है, क्योंकि अगर आप लगा सकते हैं, अगर आपके ये सिम्टम्स नहीं है तो मेरा मानना है कि आपको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्योंकि अब हम न्यूज नंबर 2 पे आ रहे हैं। न्यूज नंबर 2 है पूरे भारत में जो केसेस है वो बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, और जो केसेस की संख्या है, एक्टिव जो पेशेंट की संख्या है वो 168,331 पे पहुंच चुकी है। मैं जो आपको आंकड़ा बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा है, और आपको मानना पड़ेगा कि ये आंकड़ा है ये कंटिन्यूसली कम हो रहा है। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र से लिटरली हाफ जो पेशेंट्स है वो महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मेरा मानना है कि बहुत जल्दी जो प्रिकॉशंस मेजर है और जो वैक्सीनेशन है उस टाइप को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और आपको पता हो तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 24/7 अब 9-to-5 नहीं है 24/7 वैक्सीनेशन ड्राइव को इग्नाइट कर दिया है और स्टार्ट कर दिया है। कोई भी कहीं पे भी जाके वैक्सीन लगवा सकता है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो आपको पता होना चाहिए, सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है कोविन ऐप पर और कोविन की साइट पे। आप रजिस्टर कीजिए और जो डेट और जो टाइम आपको दिया गया है उस पर्टिकुलर टाइम में आप उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल पे जाइए और अपना टीकाकरण वैक्सीनेशन करवाइए। ये आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी आत्मनिर्भर भारत के लिए यदि आप सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन दोनों में से किसी का भी प्रयोग करते हैं। यह आप पर है कि आप किसको सही मानते हैं, लेकिन अब आपको पता है कि कोवैक्सीन का डेटा भी 81% तक सक्सेसफुल रहा है। दूसरी बात है कि आज जो आपके पास आंकड़े आए हैं उनमें ज्यादातर मरीज हैं वो आ रहे हैं महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा, हरियाणा, इन एरिया से जो बहुत ही ज्यादा है। पंजाब तमिलनाडु ने जो एरिया है पंजाब और तमिलनाडु वहां पर केंद्र ने अपनी टीम तैनात कर दी है और 22 राज्यों के 140 जिलों में संक्रमण के मरीज जहां पे बहुत बढ़ रहे हैं वहां पे केंद्र लगातार निगरानी कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि केंद्र देख नहीं रहा है, केंद्र लगातार उस पर ध्यान दे रहा है और आई होप कि बहुत जल्दी इसका लेवल कम हो जाएगा। कुछ और खबरें भी आ रही है कि भारत की द्वारा दी गई जो वैक्सीन है वो वर्ल्ड में कई जगह जा चुकी है, और अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के द्वारा दी गई जो वैक्सीन थी वो न केवल भारत के बाहर कंबोडिया में, इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो भारत एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं उन्होंने डेटा शेयर किया है कि ग्वाटेमाला में और कंबोडिया में दोनों जगह वैक्सीन गई है और उन्होंने भारत को बहुत ही धन्यवाद कहा है। भारत के लिए, भारत की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई देश इसमें विकसित देश जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इसका पेटेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों तक नहीं पहुंचे। तो आने वाले समय में हो सकता है कि सभी देशों में यह ना पहुंचे लेकिन भारत
एक ऐसा देश है जो इसको हर व्यक्ति तक और हर देश हर हर दुनिया के हर कोने में पहुंचाने के प्रयास कर रहा है। तो भारत को इसके लिए भूरी भूरी धन्यवाद।